पूरा मामला कन्नौज जिले के बहादुरपुर उज्जैना का, जहां पर रेशमा को उसका ही पड़ोसी कमलेश उसके फोन पर गलत फोटो और वीडियो डालता था और फोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। इसी बात को लेकर प्रांत ने पुलिस चौकी को शिकायत दी। वहीं तब विपक्ष के दबंग किस्म के होने के कारण पुलिस ने युवती का फोन छीन लिया एवं पीड़िता के माता पिता को धमकाकर जबरदस्ती सुलह करवा दी। वहीं पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर जांच कर उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। निवासी क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी छोटी बच्ची है 14 साल की, उसके साथ ये हुआ है कि इसमें गंदी गंदी लोग फोटो भेजते हैं। जब कह दिया मैंने तो बोले कि कुछ भी कर सकते हो, कि मेरे को नहीं ज़रूरत है, कि हमने वो चौकी में जाके रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवा के मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया, उसमें जाती सारी रिकॉर्डिंग थी। लड़के वाले की तरफ से 60,000 रुपये खाया गया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं कि हमसे भी 500 रुपये लिया गया कि हमारे पास। भाई हम तो पैसे वाले नहीं, वो गुंडा लोग हैं, उन्हें लोग खाए गए, दरोगा ने खाए और चौकी वाले ने रुपये खाए हैं कि हमसे ज़बरदस्ती सुलह करवा ली गई कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पीछे पड़ रहे कि पहले बोले कि हम नहीं, हमने कि हम नहीं सुलह करेंगी। वो ज़बरदस्ती मेरे पास में आए कि ज़बरदस्ती सुलह करो कि तुम्हें आपकी आँख चाप करेंगी कि हम करेंगे। फिर मेरे पति को उन्हें चाकू लगाया, वो भी हमने फ़ोन किया चौकी में, फिर वो भी नहीं सुना, बोले तुम्हारे पास कौन सा गवाह है, हम कहाँ से गवाह लाएंगे, हम तो अकेले भी जाते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, हम गवाह कहाँ से लाएंगे। आपने एसपी साहब को ये बात बताई? नहीं बताई, बोले कि रहने दो, तुम्हारा सब यहाँ पर निपट जाएगा मामला, चौकी वाले ने तो सब सारा काम करवाया मेरे साथ में। बहादुरपुर जैना, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं चौकी गया था साहब, चौकी में मेरे कोई ने कहा आपकी होगा सुनवाई करी जाएगी। हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ मेरी एक बच्ची थी, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी शब्द बोले जिसके पर उस वीडियो का कॉलिंग थी, वीडियो में सब पड़ा हुआ था। लेकिन वो चौकी में जाकर उसने पुलिस वाले ने मोबाइल मेरा रख लिया, मैं मांगता रहा आप देख लीजिए मेरा मोबाइल दे दीजिए, आप मोबाइल मेरा दिया नहीं गया। जब मैं मांगा, मैं जब उनने सुलह करवाई, हमने यही बात बोला उनसे, ऐसा है सुलह होने से पहले हमारी वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो कॉल काट दी गई, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया, रख लिया उन्होंने, बड़ी दमंगरी से खाले पैसे लिए उन लोगों ने खाए। आपसे कितने रुपए लिए? हमने 500 रुपए लिए हम लोगों। किस बात के? कि मान लो हम कहें कि तुम्हारी हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारी न्याय दिलाएंगे। चौकी कौन सी है? चौकी यही पड़ती है जिला अस्पताल के, और वहाँ पर हम पर चल चुला हो जाने के बाद पुलिस वाले हमसे कहें मोबाइल तुम नया ले लो, पैसा ले लीजिए। यार इज्जत है या बहनी बिटिया की या नहीं है कि आज हम यही धंधा करते उतर रहेंगे इस धंधे पर? मोबाइल कितने दिन बाद दिया गया? मोबाइल 3 दिन बाद सर दिया गया मेरा। मोबाइल देने के बाद उन लोगों ने खासते मेरे हुए थे, उनको बुलाते रहे, हुए आए मेरे पास कहीं भी तुमको ढूंढ लाओ, ये ढूंढ लाओ, वो ढूंढ लाओ, मेरे को बहुत चुतिया बनाते हैं ये। बताइए साहब हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएँ हम?